समस्याएं आ जाती हैं, परिस्थितियां आ जाती हैं, बाबा ने अभी अपनी बोला है कि जो बच्चे बाप के दिल तक के पास रहते हैं, बाप के दिल तक, तो कैसे पहचाना जाए कि जो बच्चे बाप के दिल तक के पास है तो उसी के अनुसार उनको पद मिलेगा, तो उसकी कैसे पहचाना जाए? नजदीक होंगे तो दूसरे उन नजदीक रहने वाले बच्चों के नजदीक जाकर के बाप से मिलना चाहेंगे, और दूर होंगे जो बच्चे उनका भी दूसरों को पता चलेगा ये तो दूर है, इनसे कनेक्शन करने से तो कोई फायदा नहीं, पता नहीं चलेगा। और राम वाली आत्मा का वनवास 2012 में पूरा हो जाएगा तो बाबा काशी नगरी में रहेंगे या माउंट आबू में रहेंगे या कंपिल में रहेंगे? ये सारी दुनिया क्या है अभी के हिसाब से? सारी दुनिया कांटों का जंगल है या कोई हिस्सा बचा हुआ है जहां कांटों का जंगल नहीं है? एक दूसरे को कांटा चुभोने वाले नहीं है जहां? है क्या है सारी दुनिया? सारी दुनिया ही कांटों का जंगल है। अगर कोई अनुभव करे कि कांटों के जंगल से हम बाहर आ गए तो सुखदाई फूलों के बीच में रहेगा या दुखदाई कांटों के बीच में अनुभव करेगा? फूलों के बीच में ही रहेगा। जो फूल होते हैं वो औरों को भी प्रफुल्लित करते हैं और खुद भी प्रफुल्लित रहते हैं, औरों को भी दुख नहीं देते, दुख देना नहीं और दुख लेना नहीं, ये उनका स्वभाव बनता है। ये तो ठीक है कि पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थियों में कोई पहला नंबर भी होगा, और जो पहला नंबर होगा या उसको फॉलो करने वाले और भी नंबरवार होंगे, वो अपने जीवन में वही अनुभव करेंगे, उसी प्रकार अनुभव करेंगे, उसी तरीके से अनुभव करेंगे जो पहला अनुभव पहले नंबर को होगा। अगर पुरुषार्थ करने वालों में राम राज्य लाने के निमित्त बनने वाली आत्मा राम वाली आत्मा
कांटों के जंगल से गुजरती है, अपने पुरुषार्थ जीवन में तो और भी जो खास खास फॉलोअर्स हैं नंबर वार, उनको भी उसी शरण से गुजरना पड़ेगा। अपना हिसाब किताब 63 जन्मों का पूरा करना पड़ेगा, और जब हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो सुख शांति का अनुभव होगा या दुख शांति का अनुभव होगा? क्या अनुभव होगा? सुख शांति का अनुभव होगा। और सुख शांति का अनुभव तो सुख की दुनिया में ही होता है। शांति धाम में तो सुख का अनुभव होता नहीं है, और अनुभव तो वहां शांति का भी नहीं होता है। हाँ, साकार में जो शांति धाम बनेगा वो तो बाद की बात है, और शांति धाम सुख धाम दोनों साथ साथ बनेंगे, परंतु बनने से पहले फाउंडेशन लगाने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? कि पहले ही बनके तैयार हो जाएगा? जो फाउंडेशन लगाने वाले हैं उनको ये एडवांस कहा जाता है। ये स्थापना का काम है, स्थापना का काम प्योरिटी से होता है। और प्योरिटी के मामले में फाउंडेशन लगाने वाली कौन है? वो तो सांप की बुद्धि में बैठ गया। कौन है मूल रूप में? है प्योरिटी का फाउंडेशन लगाने वाली आत्मा रुद्रमाला में होगी, बीज रूप में, या विजयमाला में होगी? है विजयमाला में होगी। जो विजयमाला है उसका हेड है विष्णु, और जो रुद्रमाला है उसका हेड है शंकर, राम वाली आत्मा कहो। वारसदार बाप के बच्चे बनेंगे या चंद्रवंशी पहले बनेंगे? है बाप के बच्चे पहले वारसदार बनते हैं, लेकिन उनका फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन भी रुद्रमाला में है। जो प्योरिटी का फाउंडेशन डालने वाला है वो कौन है? है घरग्रस्त परिवार होता है, उस परिवार में फाउंडेशन डालने वाली कौन होती है? माता। माता की माता नहीं होती है सास, और सास की भी सास नहीं होती है, इसे कहते हैं परदादी। पीढ़ी दर पीढ़ी सुख शांति नीचे गिरती आई है या उसका स्तर ऊंचा उठता गया है? इसका मतलब है कि पुरानी ते पुरानी जितनी पीढ़ी में रहने वाले लोग हैं वो जितने पवित्र थे
उतने नई पीढ़ी के लोग पवित्र नहीं हो सकते। ये तो रही दुनिया की बात। ये दुनिया का मिसाल ब्राह्मणों की दुनिया पर भी लागू होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो प्योरिटी का फाउंडेशन डालने वाली आत्मा है, जो भी फाउंडेशन के निमित्त बनने वाले हैं, उस आत्मा का ही आधार लेना पड़ता है। परमधाम को तो साकार सृष्टि में बाद में उतारेंगे, पहले सुख शांति मन के अंदर उतारी जाएगी या धरणी पर उतारी जाएगी? मन के अंदर उतारी जाएगी। ज्ञान की पराकाष्ठा ऐसी हो कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कैसा भी वातावरण आ जाए, अपने मन की सुख शांति से जुदा न होने पाए। ऐसा फाउंडेशन लगाने वाली आत्माओं का ग्रुप काशी नगरी कही गई है। जो गायन है भक्ति मार्ग में, कि काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे। क्या इस दुनिया में स्वर्ग होता है? होता तो नहीं। इस दुनिया में तो नरक ही बरत रहा है। तो नरक में मरेंगे तो नरक में जावेंगे या स्वर्ग में जावेंगे? नरक में ही जावेंगे। वास्तव में बेहद के मरने की बात है। बेहद का मरना है ही देह के लगाव से मरना। देह क्या चाहती है? अच्छा अच्छा रोटी, अच्छा अच्छा कपड़ा, अच्छा अच्छा मकान चाहती है, अच्छा अच्छा मान मर्तबा चाहती है। और इसकी आस खत्म हो जाए, अच्छा जो भी मिलेगा हर इच्छा से स्वीकार, तो संतोष वाली बात आ जाती है। ये संतोष बड़ा धन है। जिसके अंदर संतोष आ जाता है वो बड़ा त्यागी कहा जाता है, और त्याग से ही भाग्य बनता है। तो ये जो प्रश्न आया है, कि राम वाली आत्मा का वनवास पूरा होगा तो कहाँ रहेगी? है, अगर कंपिल में ही वापस जावे तो क्या ये कहा जाएगा कि अपने देश से, अपने व्यक्तियों से, अपने देशवासियों से, गांव वालों से लगाव छूटा है या लगा हुआ है? लगा हुआ है। पीछे लौटना है या आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना है। और माउंट आबू तो जाने की बात ही नहीं है अभी। जब तक संसार में बाप के आने का नगाड़ा न बज जाए, बाप की पूरी प्रत्यक्षता न हो जाए,
तो जो 12 वर्ष का वनवास गया हुआ है, वो है तो 5 पांडवों की बात, लेकिन 5 पांडवों में भी कोई मुख्य पांडव हैं जिनके जीवन में पहले पहले ये समस्या आती है, जो उन्हें क्रॉस करनी पड़ती है। क्रॉस करने के बाद फिर शांति से बैठना होता है। पूछा है जो यज्ञ में सीआईडी बन करके 8 गुप्तचर बन करके हर समय दूसरों की निगरानी करते रहते हैं, उनकी शूटिंग क्या होगी? गुप्तचर का काम क्या होता है? है गुप्तचर का काम होता है जो भी समाचार मिले उसको कहां तक पहुंचाना है? ऊपर पहुंचाना। तो गुप्तचर विभाग राजा के बहुत नजदीक होता है या दूर होता है? है बहुत नजदीक होता है। बाबा, एक तरफ बाबा ने बोला है कि दूसरों की कमी कमजोरी देखने वाला कभी कंप्लीट नहीं बनता। जिनको काम मिला हुआ है, जिनको धंधा ही ये मिला हुआ है ईश्वरीय सेवा का, उनके लिए क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाबा तो अपने जीवन में कभी किसी दूसरे के अवगुण नहीं देखते थे, और मोस्टली ब्रह्मा बाबा के जो फॉलोअर्स हैं अर्थात विजयमाला के दाने हैं, वो भी दूसरों का अवगुण देखने के आदि नहीं है। वो एक प्रकार है आत्मा का। बाबा कहते हैं ये मेरे हैं राइट हैंड। कौन? ब्रह्मा। और लेफ्ट हैंड कौन है? है? अरे त्रिमूर्ति में राइट हैंड कौन है और लेफ्ट हैंड कौन है? है? ब्रह्मा लाई राइट हैंड और शंकर लेफ्ट हैंड। उसमें धर्मराज का पार्ट चलता है, भले ब्रह्मा की सोल ही प्रवेश करके वो पार्ट बजाती है। तो धर्मराज के दूतों का चौपड़ा बनना चाहिए या नहीं? नहीं तो हिसाब किताब का कैसे पता चलेगा? फिर कहा जाता है कि भगवान को 1000 आंखें हैं, भगवान को 1000 हाथ हैं, तो वो कहां की बात है? कौन सी आंखों से देखता है? है? यही तो सीआईडी है जिनकी आंखों से देखता है, उसको अपनी आंख तो है नहीं।
भक्ति मार्ग में कहते हैं धर्मराज के दूत जो चित्रगुप्त का चौपड़ा तैयार कराने के निमित्त बनते हैं, एक एक आत्मा की डिटेल चौपड़े में तैयार होती है, बिना प्रूफ और प्रमाण के किसी को सजा नहीं दी जाएगी। तो पूरा समाचार चाहिए और समाचार देने वाले भी चाहिए। हाँ जी, इस गांव में हमेशा जन्म होता है, है? इस गांव में जन्म होता है, हाँ? कि गांव से हिसाब किताब होता है, जिस गांव में जन्म होता है उस गांव में तो 63 जन्मों का सारा हिसाब किताब आकर के इकट्ठा होता है, उस गांव से ही संगम युग की शुरुआत होती है। वो गांव के लोग, उस गांव में जो हमारा परिवार है, जहां हम पैदा होते हैं, जो माँ बाप हैं, जो भी संबंधी हैं, उनका बड़ा महत्व है। है किस परिवार में? हाँ, कोई के संस्कार नहीं मिलते, लास्ट जन्म में आकर के सब के संस्कार एक दूसरे से टकराते हैं। अगर मिलते भी हैं तो अपने स्वार्थ के लिए, और स्वार्थ कभी सदाकाल के लिए नहीं रहता, स्वार्थ पूरा हुआ और फिर वो ही डर्रा शुरू हो जाता है। सब स्वार्थी, लौकिक परिवार में कोई भी परमार्थ के लिए जिंदा नहीं रहता। सत्य अनुसुईया का पुत्र चंद्रदेव को दिखाया है, सत्य अनुसुईया का पुत्र चंद्रदेव को दिखाया है, चंद्रदेव तुम तो होके आए हो? अरे तुम होके आए कि नहीं? तुम्हारे हाथ पांव झुलसे नहीं? जाना है, जो आदि में हुआ सो अंत में होगा। अरे आदि में जो हुआ सो याद है कि भूल गए? सुधारो। बाबा नहीं मारता, बाबा तो प्यार का साधन। तुम्हारा मारेंगे क्या? आपस में एक दूसरे के संस्कार टकराते हैं। बाबा ने बोला अभी कि बाबा तो अभी माउंट आबू नहीं जाएंगे। हैं? बाबा तो माउंट आबू अभी नहीं जाएंगे। बाबा माउंट आबू नहीं जाएंगे? नहीं। ये कहाँ बोला कि बाबा माउंट आबू नहीं जाएंगे? कंपिल में रहेंगे ना? कंपिल में रहेंगे ये बोला? अभी बोला कंपिल में रहेंगे? नहीं, पहले को तो बोला अभी हाल फिलहाल बाबा कंपिल भी नहीं जाएंगे, माउंट आबू भी नहीं जाएंगे। पहले वाले को तो जब बाप माउंट आबू नहीं जाएंगे तो बच्चे भी नहीं जाएंगे, क्या करेंगे बाबा वहाँ पे? किसने कहा था आप जाओ? अरे जो फालतू पैसा पड़ा हुआ है बैंकों में, कंपनियों में, जो कंपनियां फेल होने वाली हैं, जो बाबा ने पहले से ही बोल दिया, क्या ये LIC कंपनी उड़ जावेगी? न देने वाले रहेंगे न लेने वाले रहेंगे। तो है क्या, कोई भी हो, तो अगर पैसा पड़ा है और उसकी चिंता है कि कहाँ डालें, तो माउंट आबू में डाल दो। ये बताया, ये थोड़ा ही कहा कि तुम वहां जाके रहो,
बच्चे जैसे रह रहे हैं पहले जाके, तो अपनी मत अपनी मनमत पे रह रहे हैं तो बाबा क्या करें? क्या फायदा जाते? बाबा ने कब कहा वहाँ जाके रहो? आप कंपनी में पैसा डालते हैं, आप बैंक में पैसा डालते हैं, तो क्या बैंक में और कंपनी में जाके रहते हैं? अरे प्रॉपर्टी लेकर के वहाँ डाल दो। बाबा तो बोले ऐसा समय आएगा पूरा अमाउंट आपको खरीदारी करना पड़ेगा। तो क्या हुआ? तुम्हें क्या चिंता है? तुम अपनी चिंता करो, अपने अपनी गोट की चिंता करो। बाबा जी तुमको क्या चिंता है? वो बाबा क्या करेगा, वो तो बाबा ने बता दिया। हाँ खरीदेगा। बाबा पापों का पुण्य गरीबी होती है। पापो पापों का पुण्य गरीबी होती है। हाँ बाबा ने नहीं कहा, ये तो रामायण में आया है। नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। क्या जो दरिद्रता है गरीबी है वो पापों का पुंज है? दरिद्रता में अनेक प्रकार के पाप हो जाते हैं, ये रामायण में तुलसीदास ने कहा, बाबा ने नहीं कहा। है? बाबा तो कहते हैं गरीब मुझे बहुत प्रिय है। क्या मैं गरीब निवाज हूँ? गरीब ज्यादा पाप करता है? ये आज के बड़े बड़े रईस ज्यादा पाप करते हैं? है? रईस ज्यादा पाप करते हैं। बाबा कौन सा गरीब पसंद है बाबा? दिल का गरीब कि धन का गरीब? दिल का गरीब। दिल का गरीब होता है ना? है? एक तो बाबा दिल का गरीब होता है। दिल का गरीब? अरे जो जो दिल का गरीब होता है वो तो कंजूस होता है, वो गरीब नहीं होता है। बाप को बहुत प्यार करता है, उसके पास धन नहीं है। है? बाप को बहुत प्यार करता है गरीबों को। हाँ। गरीबों को बहुत प्यार करता है। हाँ जो गरीब होते हैं वो बाप को बहुत प्यार करते हैं। सही बात है। धन भी है लेकिन वो धन को लालच करता नहीं देता है, तो वो बच्चे वो तो बाप को पसंद नहीं होता। तो गरीब है और जो कुछ भी टटपुंजिया है 10-20-50-100-200 रुपया है, 1,000-2,000-10,000 रुपया उसके पास है और वो एक पैसा भी यज्ञ में नहीं लगाता, तो उसको कंजूस कहेंगे। नहीं लगाता है तो नहीं पावेगा। 50% अगर लगाता है तो 50% पावेगा। और बाबा जो भीली सबरी थी वो इतना त्यागी और तपस्वी होने के बावजूद भी श्री राम को नाम की आदर्शन देता है, खूबसूरत क्यों नहीं करता? भीली सबरी श्री राम को नाम के आधार पर ही जो पहचानी थी त्यागी और तपस्वी होने के बाद भी। बिल्ली क्या सबरी जो सबरी बिल्ली सबरी थी जो इतनी तपस्वी थी ज्ञानी थी लेकिन फिर भी वो भगवान राम को क्या करती थी, नाम के आधार पर ही उसने पहचाना और वैसे नहीं पहचाना, तो ऐसा क्यों? नाम के आधार पर ही पहचाना तो स्पर्श से या मतलब अंदर के भाव से क्यों नहीं पहचाना? नाम के आधार पर पहुँचा जब नाम अपना नाम बताते तब वो पहचानती है कि श्री राम है। हाँ नाम बाला होता है संसार में तो नाम के द्वारा पहचानता है आदमी। नाम बाला नहीं होगा तो कहाँ से पहचानेगा? परंतु वो इतनी त्यागी तपस्वी होने के बावजूद भी इतनी त्यागी तपस्वी होने के बावजूद भी श्री राम का नाम क्या दर्शन?
त्यागी तपस्वी होने के बावजूद नाम से तुरंत आने के बाद तुरंत क्यों नहीं पहचानी नाम के आधार से? अरे भक्ति मार्ग में तो क्या चलता है, भक्ति ही चलती है, नाम ही चलता है, वो काम को थोड़े ही जानते हैं। भक्ति मार्ग में कोई भी काम को नहीं जानता, ये तो ज्ञान मार्ग है जहाँ नाम का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि काम के आधार पर भक्ति मार्ग में नाम गाया जाता है। तो उन्होंने भक्ति की ही बात लिखी है, जो शबरी है वो कोई ज्ञानी थोड़े ही है। बाबा सती अनुसुईया का पुत्र चंद्रदेव क्यों दिखाया है? सती अनुसुईया का पुत्र चंद्रदेव क्यों दिखाया है? सती अनुसुईया का पुत्र चंद्रदेव क्यों दिखाया? चंद्रदेव क्यों दिखाया? अरे शिव बाबा का बच्चा शंकर क्यों दिखाया? क्यों का क्या सवाल, ये तो ड्रामा बना हुआ है। जो चंद्रदेव है भक्ति मार्ग में कहते हैं चंद्रमा में क्या बसा हुआ है, अमृत बसा हुआ है। तब जब चंद्रमा चंद्रदेव अमृत को धारण करने वाला है और अमृत कहा जाता है भगवान की वाणी को, तो भगवान की वाणी किसमें आकर के प्रख्यात को प्राप्ति है? भगवान किसमें आकर के वाणी चलाता है? अरे चंद्रमा में ही सारी वाणी चलाता है, चंद्रमा के द्वारा ही सारी वाणी प्रख्यात होती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चंद्रमा में अमृत व्याप्त है। अब चंद्रमा अमृत व्याप्त है तो चंद्रमा भी तो किसी का बच्चा होगा, चंद्रदेव कहा जाता है, देव है कि नहीं? देवता तो है। तो जिसमें अमृत बसा हुआ है वो किसका बच्चा होगा, पवित्र का बच्चा होगा या पवित्र का बच्चा होगा? पवित्रतम, जो पवित्रतम आत्मा होगी उसी का बच्चा होगा। तो तीन देवियां उतनी पवित्र नहीं मानी जाती हैं, उनका पुत्र नहीं है, किसका पुत्र है? अनुसुईया का पुत्र है। यदि पशु पक्षियों की आत्मा मन की संस्था नहीं होती तो ये किसने कहा पशु पक्षियों में मन नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, संस्कार नहीं होते? मुरली में है कि मन बुद्धि संस्कार नहीं होता है। अरे बाबा तो वाणी में ये बताया कि आत्मा कहते ही है उसे जिसमें मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और पूर्वजन्मों के संस्कारों की शक्ति मन बुद्धि में समाई हुई हो, तब ही आत्मा कहा जाता है। ये बात कहां से उठा ली? अरे मुरली में ये बात नहीं है। आत्मा माने चैतन्य, और चैतन्य जो आत्मा होती है उसमें जड़त्वमयी मन और बुद्धि हो सकती है। कोई की मन बुद्धि बहुत चैतन्य होती है, कोई की मन बुद्धि जड़त्वमयी होती है। ये हो सकता है, बाकी ऐसे नहीं है कि पेड़ पौधों में आत्मा नहीं होती है या जानवरों में आत्मा नहीं होती है। अरे ये बात तो मुसलमान लोग कहते हैं कि रूह सिर्फ है इंसान में ही होती है, दूसरे जीव जंतुओं में रूह नहीं होती है, इसलिए उनको खूब मारो काटो खाओ पियो। ये तो स्वार्थ की बात हो गई। जानवरों को भी दुख होता है, दुख अनुभव नहीं होता है? होता है, जानवरों को भी सुख अनुभव होता है,
पेड़ पौधों को भी सुख अनुभव होता है, पेड़ पौधों को भी दुख अनुभव होता है। कोई पेड़ का जड़ नीचे काट दो, उसका ऊपर का एक तरफ का हिस्सा अपने आप सूखने लगेगा। फीलिंग है या नहीं है? है? बिना मन के फीलिंग होती है क्या? वेद में शकुनी वो जो रास्ता बताता है कौरवों को, ऐसा करो ऐसा न करो, अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, उसको शकुनी कहा जाता है। जो कसाई लोग मारते हैं जानवरों को मारते हैं, क्या होगा उनका, उनका क्या होगा? उनको जानवर मारेंगे, काटेंगे, खा जाएंगे? खा जाते हैं लेकिन जब मतलब वो होगा कि मनुष्य क्या होगा, जब मनुष्य काटते हैं, जो मनुष्य मारता है, अरे जो जैसा करेगा वैसा पाएगा या नहीं पाएगा? तो द्वापर युग में जंगलात ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? ढेर के ढेर जंगलात होते हैं, ढेर के ढेर मनुष्य पैदा होते हैं, झोपड़ियों में जन्म लेते हैं और जंगली जीवन व्यतीत करते हैं, उनको जानवर क्या करते हैं? मार पीट के खाते रहते हैं। और पापा, हाँ जी, यज्ञ के आदि में काशी नगरी किस रूप में थी? यज्ञ के आदि में काशी नगरी किस रूप में थी? यज्ञ के आदि में काशी नगरी किस रूप में थी? यज्ञ के आदि में काशी नगरी किस रूप में थी? माने पुरुष रूप में थी या स्त्री रूप में थी, क्या पूछना चाहते? क्या पूछना चाहते, पुरुष रूप में थी या स्त्री रूप में थी या राक्षस रूप में थी, जानवर रूप में थी, कीड़े मकोड़े के रूप में थी, क्या पूछना है? बाबा सब रूप में है? सब रूप में, सब रूप में बताइए। सब रूप में थी नहीं तो बताएंगे कहाँ से? वही बताइए, जो रूप में थी वही बताइए बाबा। जो रूप में होगी वो ही बताया जाएगा। तो ये जितने भी अष्ट देव हैं वो तो देव रूप में ही होंगे। और दो राम को दिखा दिए कहाँ? हाँ, विष्णु के दो अवतार हो गए, भक्ति मार्ग में ऐसा दिखा दिया है कि भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार राम का और दूसरा अवतार परशुराम का। हाँ तो उसने दो सिंहस भी दिखा दिए साथ साथ है, दो सिंहस भी साथ साथ दिए, परशुराम जी के पास में है वो भी सिंहस था। जो परशुराम के पास था वो भी शिवधनुष था, इसीलिए तो उनको गुस्सा आया कि ये शिवधनुष किसने तोड़ा है, नहीं तो उनको गुस्सा आने का मतलब क्या है? शिवधनुष एक ही है, धनुष माने जिसमें लचीलापन हो, कंचिता जब खींचते हैं तो धनुष यूं मुड़ जाता है, मोल्डिंग पावर, जब जैसी स्थिति, जब जैसी परिस्थिति, जब जैसा माहौल, जब जैसे व्यक्ति वैसा अपना रूप धारण कर ले, ऐसी मोल्डिंग पावर हो उसको कहते हैं पुरुषार्थ रूपी धनुष। वो पुरुषार्थ रूपी धनुष दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया गया,
जिन्होंने अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी ईश्वरीय सेवा में। अब बताओ हड्डी हड्डी कैसे स्वाहा कर दी? कौन है दधीची? किस तरह वो दधीची कहे गए? पुरुष का चोला है, दुर्योधन दुशासन का चोला है। पुरुष चोला कलयुग के अंतिम जन्म में काम विकार को कंट्रोल करने वाला होता है क्या? नहीं होता है। बल 70 साल का बुढ़ा भी हो जाए तो भी ललक बनी रहती है, लेकिन उनमें संस्कार थे पवित्रता के प्रति, विशेष मान था, लेकिन पवित्रता का गहरा अर्थ उन्होंने नहीं समझा कि बाबा कौन सी पवित्रता चाहते हैं। बाबा चाहते हैं घर गृहस्थ में लक्ष्मी नारायण की तरह साथ रहो, बल साथ सो भी, लेकिन इंद्रियां पूरी कंट्रोल में रहे, तन की और मन की शक्ति छीन ना होने पावे। अब ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये बात थी क्या? है नहीं थी। जो बच्चा आया, जो बच्ची आई, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, सब जानते हैं कि गोद में लेकर के खिलाते थे। तो गोद में लेकर के जब खिलावेंगे तो अंदर से इंद्रियां तो अपना काम करेंगी कि नहीं करेंगी? बल कपड़ों के अंदर रहेंगी, लेकिन शक्ति तो छीण होगी या नहीं होगी? तो हड्डियां गलाई कि नहीं गलाई? बच्चों को प्यार देने के लिए अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, इसलिए उनका नाम पड़ा दधीचि ऋषि। उस दधीचि ने जो पुरुषार्थ किया वो शिव का धनुष कहा गया। उस शिव के धनुष को राम वाली आत्मा ने क्रैश कर दिया, तोड़ दिया। उस धनुष को रावण जैसे प्रकांड विद्वान और बड़े बलशाली हिला भी नहीं सके। उसको सीता ने बाएं हाथ में उठा लिया। उठाने का मतलब क्या हुआ? अरे वो राम वाली आत्मा का जो धनुष रूपी शरीर है वो भी दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? पुरुष चोला है या नहीं है? है। उस पुरुष चेले को कंट्रोल में करना हरेक स्त्री के बस की बात नहीं है, आकर्षित हो जाएगी। लेकिन सीता ने क्या किया? सीता ने बाएं हाथ से उठा लिया। और जो पुरुषार्थ करना चाहिए, जिस पुरुषार्थ में सहयोगी बनना चाहिए, जैसा बाबा चाहते हैं वैसा ही सहयोगी बन करके दिखाया। और विषय वैतरणी पार करके दिखाई, इसलिए नाम क्या पड़ा? पार लगाने वाले का नाम क्या पड़ा? पार्वती। तुम सात पार्वतियां हो, तुम सात सीताएं हो। तो कोई अब्बल नंबर भी होगी कि नहीं होगी? तो वो अब्बल नंबर पार्वती भी है, अब्बल नंबर है सीता भी है, शीतल स्वभाव वाली, शीतल इंद्रियों वाली। और बाबा एक दोहा आया है, राम नाम की अंधकार पर जाएंगे जब प्राण जाएंगे है देहर में क्या?
यहाँ राम काम की बात कराओ। राम ने जो काम किया, जो सेवा की, वो सेवा की लूट हो रही है अभी। जो जितनी लूट मचा सके सो लूटे, जितनी सेवा करोगे उतना मेवा जन्म जन्मांतर का प्राप्त हो जाएगा। भक्ति मार्ग में नाम होता है और ज्ञान मार्ग में काम होता है। आपने सीता जी को पार्वती को तो बताया कि तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, लेकिन राधा जो है कृष्ण जी के साथ जुड़ी रहती है, उनको आपने कभी नहीं बताया कि कभी नहीं बताया क्या नहीं बताया कभी? राधा तो एक ही होती है, उसको कोई क्रास नहीं कर सकता। जो राम को धारण करे सो राधा। और असली राम कौन है? हैं? असली राम कौन है जिसमें योगी लोग रमण करते हैं? कौन है? शिव। तो शिवराम को किसने धारण किया? हैं? किसने धारण किया? अरे अरे शिव को धारण किसने किया? जगदम्बा छोड़ के भाग गई कि धारण किया? है शंकर ने। इसलिए जिस हिसाब से माता पूछ रही है उस हिसाब से तो एक ही राधा है जो बेहद के राम को धारण करती है। और वैसे कहा जाए साकार रूप में राम कौन है, उस राम को धारण करने वाली, राम के अंदर जो कृष्ण की आत्मा प्रवेश करके पाठ बजाती है, जो संगमयुगी कृष्ण कहा जाता है, उस कृष्ण को धारण करने वाली, उसके पुरुषार्थ को धारण करने वाली, उसके ज्ञान को जीवन में पूरा धारण करने वाली, वो तो एक ही है। बाकी तो दूसरी सब पट्ट रानियां हैं जो पुरुषार्थ करते करते अंत में पट्ट में जाके गिरती है। जो सरेंडर्ड वर्ग वाले हैं उनको भी चार्ट देना चाहिए क्या? है? बाबा ने ऐसे कहीं बोला कि जो नॉन सरेंडर है उनको ही चार्ट देना है, दूसरों को चार्ट नहीं देना है, वो तमिल नहीं देना है, और लौकिक जीवन का पोता मिल तो चाहे सरेंडर हो चाहे नॉन सरेंडर हो दोनों का ही बना हुआ है, दोनों को ही देना चाहिए। अलौकिक जीवन में भी सोने की जंजीर अपना काम करती है, सोने की जंजीर का लगाव झुकाव हो जाता है, फंसाव हो जाता है, तो पोता मिल नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। Oh.
त्यौहार पर एक महीने में एक बार मनाते हैं, दशहरा दो बार मनाया जाता है, दो बार मनाया जाता है। राम का जन्म दो बार मनाया जाता है और नवदेवी का पूजन भी दो बार होता है। नौ दिन पूजन होता है नवदेवियों का और दसवें दिन भगवान प्रत्यक्ष होता है राम के रूप में। तो देवियों को डुबाए देते हैं और राम भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। नौ दिन के अंदर देवियों के प्रयास से, पुरुषार्थ से रावण का खात्मा नहीं हो पाता, लेकिन राम के अंतिम प्रयास से रावण का खात्मा हो जाता है, जिसकी यादगार में विजयदशमी मनाते हैं। राम का जन्म दो बार और देवियों की पूजा भी दो बार, इसका मतलब हुआ कि बेसिक में भी देवियों की पूजा होती है, बेसिक में भी राम वाली आत्मा पूजनीय बनती है, बहुत मान्यता प्राप्त करती है ब्रह्मा कुमारियों के बीच में शुरू शुरू में, और एडवांस में तो है ही है, एडवांस में भी देवियां होती हैं, जिनके पीछे सारा संसार पागलों की तरह दौड़ पड़ता है, लेकिन रावण, रावण के ऊपर जीत प्राप्त नहीं होती है। रावण के ऊपर जीत पाने के लिए फिर भी विजयदशमी मनाई जाती है, वो आखिरी प्रयास है जिसे भगवान कहा जाता है। माउंट आबू से उषा बांध गई है, माउंट आबू से उषा बांध गई है, गोरखपुर में बहुत बड़ा पंडितनी लगाई है, वो पंडितनी में मनो समझा रही है, तो बोले कि एक लड़का था नौकरी को थे, आया तो राजा पास गया, तो राजा बोला कुल्हाड़ी बिठा के काटो, तो एक दिन लकड़ काटा 25, एक दिन काटा 15, एक दिन काटा 10, तो राजा बोले गए इतना मेहनत कर रहे हो के नकम हो जा रहा, में भारी होता कि उषा मने सुना रही है, सब सब भाई लोग मान मेला लगा है वहाँ गोरखपुर। तिरसठ जन्म जो भक्ति मार्ग चला है, वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर हैं, भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर पनपते हैं या कहीं बाहर की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही, बेसिक में जो चलने वाले हैं, अधूरी नॉलेज वाले हैं, वो भक्ति से ये घंटे घंटे की बातें सुनाते रहते हैं, कथा कहानियां सुनाते रहते हैं, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं है, इसलिए बाबा काली के मंदिर में, जगदम्बा के मंदिर में बच्चों का जाकर के मुंडन करवाते हैं तो देवी खुश हो जाती है, इसका बेहद में अर्थ क्या है? बाबा ने भी मुरली में बोला है, कौन माथा मूड़ती है? है अरे जो माया तो बच्चों का माथा मूड़ लेती है उसका नाम माया दिया है, क्या नाम दिया है? माया। भगवान आया तो फायदा है या माया आया तो फायदा है? माया के अनेक रूप हैं और भगवान का
एक रूप है। देवियों के कितने रूप हैं? नौ रूप हैं। और भगवान का एक रूप है। इसलिए मुरली में बोला है देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय, भक्ति मार्ग फैलाने वाले। नौ दिन चले अढ़ाई कोस, कहावत भी प्रसिद्ध है। नौ दिन का जो पुरुषार्थ है नव दुर्गा पूजन में, वो सब व्यर्थ चला जाता है। देवियों को कपड़ा देंगे, देवियों को मकान देंगे, देवियों को धन संपत्ति देंगे, गहने देंगे, सब कुछ अर्पण करेंगे, वो कहाँ चला जाता है? कुछ फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं होता। अंत में जब भगवान प्रसिद्ध होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो उन देवियों को ले जाके भगवान ज्ञान सागर में डुबो देते। यही बात मुंडन की है। माया माथा मूड़ लेती है, बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा माया ने माथा मूड़ लिया, बेचारे फंसे रहते हैं। बाबा माया भगवान का भी ध्यान कर सकती है? नहीं करती है, सर्वशक्तिवान का रूप धारण नहीं करती। हैं? अरे बाप ने माया का भी तुम्हें रूप नहीं बताया? कभी स्त्री के रूप में आवेगी, कभी पुरुष के रूप में आवेगी, कभी धन संपत्ति के रूप में आवेगी, अनेक रूप है उसके। है? हाँ, पौंडरिक की कथा है ना, पौंडरिक भगवान वासुदेव, वो माया का रूप नहीं था, वो भगवान का रूप धारण करके नहीं आया, उसके पास अपना हनुमान था। उसके पास बड़े बड़े दिग्गज थे जो कृष्ण के पास थे, उनके पास अपना बलराम था। पेड़ पौधों में जीवन होता है, रूह होती है, तो उन्हें काटना व सेवन करना गलत क्यों नहीं है? अरे गलत है, तभी तो सरकार ने रोक लगाई है। हरे वृक्ष काटना, इसके ऊपर सरकार की रोक है। क्यों रोक है? क्योंकि जो भी जीवन है वो दूसरों को सुख दे सकता है, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है। ये बात गलत है कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता है। पेड़ पौधा काटने वाला बाबा कभी सुखी भी नहीं रहता। हाँ जी, माउंट आबू में जो तपस्या होगी वो कब से होगी? जब कोई बात की अति हो जाती है तो उसका अंत हो जाता है, और नई चीज शुरू हो जाती। अभी माउंट आबू में जो भी चल रहा है उसका लक्ष्य त्याग और तपस्या है कि उल्टा है? उल्टा है।
वो उल्टी गति की जब अति हो जाएगी तो उस अति का अंत हो जाएगा और त्याग तपस्या का जीवन शुरू हो जाएगा। बाद में क्या लिखा समझ नहीं आ रहा।